हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। आज के इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के बीच हुई लड़ाई को लेकर। दरअसल इन दोनों ही एक्टर में तगड़ी भिड़ंत तो होती हुई नजर आए। बॉलीवुड के सिंघम कहे जाने वाले अजय देवगन के निर्देशन में बनी फिल्म रणवीर 34 इस महीने के आखिर तक सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म के तमाम फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगातार फिल्म के पोस्टर से लेकर ट्रेलर रिलीज किए गए, जिनको देखने के बाद फिल्म के लिए लोगों की उत्सुकता काफी बढ़ गई। ऐसे में अब फिल्म की रिलीज का बेहद इंतजार है। इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमिताभ बच्चन ने अजय देवगन पर कानून तोड़ने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, अजय देवगन ने भी उनके आरोपों पर पलटवार किया है। दरअसल अमिताभ ने अजय देवगन की पुरानी फोटो का शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, रंगे हाथ गिल्टी पाए गए हो अजय देवगन, अब क्या दोगे इसका जवाब, #runway34। दरअसल ये फोटो अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे का है, जिसमें वो दो बाइक पर सवार होते नजर आ रहे हैं। इसके बाद अजय देवगन भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने भी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले का एक फोटो साझा करते हुए पलटवार किया, और अमिताभ बच्चन बाइक चला रहे हैं तो वो धर्मेंद्र के पीछे खड़े होकर गाना गा रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों इस मस्ती के बीच अभिषेक बच्चन भी अचानक से आते हैं और कमेंट में लिखते हैं, हाँ हाँ ये मजाक बेहद प्यारा है। इतना ही नहीं, फैंस भी दोनों की इस मस्ती का मजा लेते नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर इनकी तगड़ी भिड़ंत होती नजर आ रही है। तो आपको ये वीडियो रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 लाइफ।